नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो वज्रायारम नमो दोये सब साहूरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदी संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अव्वर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः वक्षे नियम सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञकाम् टीकाकार आए के श्रीमद कुंद कुंद आचार्य विरचित नियम सार ग्रंथ के टीकाकार श्री पद्म प्रवमलधारी देव। इस टीका का नाम तात्पर्य वृत्ति, मैंने इनका तात्पर्य क्या है, प्रयोजन परक। पंडित जी ने प्रयोजन परक अर्थ को जो जानते हैं उपाध्याय जी से, जो जैन शास्त्रों के प्रयोजन परक अर्थ को जानते हैं, प्रयोजन पर दृष्टि रखे बिना कोई कार्य करना व्यर्थ है, कोई लाभकारी नहीं। व्यापार करते जाओ, प्रयोजन पर दृष्टि तो रखो। अगर प्रयोजन पर दृष्टि रखोगे तो फिर व्यापार में आसक्ति नहीं होगी, अन्याय नीति नहीं होगी, लगे ही नहीं रहोगे। हो गया प्रयोजन। अरे पशु भी पेट भर जाने के बाद उस छानी पानी को छोड़ देता है, हट जाता है। आपकी पूर्ति हो गई, अब निवृत्त हो। जीवन खाने कमाने जोड़ने और मर जाने के लिए थोड़े हैं, ये भव भव के अभाव के लिए है। अशरीरी होने के लिए है, प्रयोजन क्या। लौकिक में भी हर कार्य के साथ प्रयोजन पर दृष्टि रखना, प्रयोजन क्या है। मोक्ष मार्ग में विशेष महत्व की ये बात है। भोजन भी संयम के ही, प्रयोजन क्या है। खाने के लिए खाना छोड़ेंगे, दिखाने के लिए खाना छोड़ेंगे, शरीर चलाने के लिए भी खाना नहीं, भोजन भी संयम के ही। अब कैसा भोजन होगा, कितना भोजन होगा, अपने आप युक्त आहार हो जाएगा। अंतर में अपने आप एक उदासीन भाव, निष्प्रय भाव उसमें जग जाएगा। स्वाद पर थी दृष्टि अपने आप हट जाएगी। ज्ञान होने पर अकेले कर्तृत्व का ही नाश नहीं, समस्त दोषों का नाश होता है। जैसे दृष्टांत दिया था, अंधकार के मिटने पर, सूर्य के उदय होने पर केवल अंधकार ही नहीं मिटता, अंधकार में होने वाले समस्त उपद्रव में मिट जाते। अंधकार में रहने वाली वो मच्छर कहाँ गए, वे चोर चपाटी जो अंधकार में कफाजा उठा करके भगते थे, वे कहाँ गए। अज्ञान का अभाव होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर, अज्ञान की ही अकेली निवृत्ति नहीं है, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले समस्त विभावों की, जब अज्ञान नहीं है तो फिर इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है, राग द्वेष कैसे होगा, राग द्वेष नहीं होगा तो दुख कैसे होगा, कर्मबंध कैसे होगा, संसार कैसे होगा,
वितरागी परमात्मा की देह छूटती है, नवीन देह क्यों नहीं मिलती? विचारो भाई, वितराग भाव की जब पूर्णता हो गई, राग है नहीं, अब कौन सी आयु का बंध बंधे? एक जीवन में प्रयोग करना माने विचार करने लायक बातें हैं, विचार ही करना है, उसका प्रयोग समझ लेना चाहिए। आत्मा में क्रोध नहीं, और आत्मा को लक्ष्य करने वाले को क्रोध होता नहीं, और जब क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, ये कसायों की चूकर नारक नहीं होती। बहुआरम परिग्रह का अभाव होने से आत्मा नारकी नहीं है, तो आत्मा को समझने वाला नारकी कैसे हो जाएगा? नरक जाने योग्य भाव कैसे आ जाएंगे उसको? आम के पेड़ पर कहीं नेवरी लगती है? ज्ञानी के जीवन में ये व्यवहारिक भाव होते हुए भी उस प्रकार के भाव कैसे आएंगे अज्ञान जैसे? तात्पर्य वृत्ति की काय का तात्पर्य क्या है ये बता, काय के लिए ये कह रहे हैं? आपको एक बात कही थी, याद रखना बार बार, फिर कहां से आए ये महत्व की बात नहीं है, कहां जाना है ये महत्व। हम कहां से आए? हम वहां से आए, वहां से आए, अरे आए होंगे, कहां जाना अब ये सोचो। रेलवे स्टेशन पर कहां से आए ये सोचोगे कि कहां जाना ये सोचोगे? और जहां जाना है उसी की गाड़ी में बैठते हैं वहां, तो जहां जाना है ध्यान धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी पहुंच जाए। यहां अन्याय नहीं होगा, जैसे भाव होंगे वैसा बंद होगा, जैसा उदय होगा वैसे भाव हो और नहीं भी हो, लेकिन जैसे भाव होंगे वैसा बंद होगा। कोई ये सोचे कि बहुआरम परिग्रह तो हम न छोड़ें, संक्लेश परिणाम तो न छोड़ें और नरक गति न जाए, नहीं होगा। नरक गति से बचने के लिए बहुआरम परिग्रह और कदम कदम पर संक्लेश परिणामों की ये धारा, रौद्र ध्यान, ये छोड़ना ही होगा, बिना छोड़े काम नहीं चलेगा। मायाचारी हमारे जीवन से न निकले और त्रियंत गति न हो, नहीं हो सकता। त्रियंत गति से बचने के लिए मायाचारी को छोड़ना ही होगा, छंदव मायाचारम। मायाचारी का इस प्रसंग में एक और अर्थ भी किया था आपको, कोई बहाना मत बनाओ, समय नहीं है, बुद्धि नहीं है। खूब बुद्धि है अपना मतलब का समझने के लिए, बाद बाकी कोई गलती हो तो आप बता, बता तो रहे हैं, वो सुनाई नहीं देता, बताओ आप। तो बता तो रहे, यहां कर क्या रहे? नहीं यहां नहीं, वहां बैठ करके अलग से बताओ। एक आदत पड़ गई, प्राइवेट नर्सिंग होम में ज्यादा इलाज होता हुआ, कुछ ट्यूशन पर कुछ ज्यादा पढ़ाई होती होगी, ये भ्रष्टाचार की परिपाटी है कि शिष्टाचार की परिपाटी है? बता रहे हैं क्या बात है, क्या दोष है, क्या भूल है, क्या गलती है, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? लेकिन बताओ, बताओ कैसे बताएं? बताया नहीं जाता, समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता। समझने की गर्ज हो, एकाग्र उपयोग हो, स्वयं का विवेक हो, गुरु का अनुशासन हो, तो वृत्ति
अनुशासित होगी। मैंने सारे कार्यों में ये विचार करो, हमारा प्रयोजन क्या है? हमें सुनते सुनते इतने दिन हो गए, सुनने का प्रयोजन क्या है? पढ़ते पढ़ते इतने दिन हुए, तो प्रयोजन क्या है पढ़ने का? तत्व निर्णय हो, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मिला है तो हो सो करना। तो निर्णय क्या किया जी बताओ? ये मनोरंजन के साधन नहीं है, टाइम पास करने की बातें नहीं है। मान्यता में क्या परिवर्तन हुआ? गोबर की गली लेकर फूल के बगीचे में भी जाएगा तो सुगंधी तो नहीं आएगी। मिथ्या मान्यता लेकर के धर्मायतनों में भी बैठेगा तो समझ में नहीं आएगा, न्याय की बात है। अगर समझ में नहीं आता तो ये कैसे समझ में आता है कि ऐसे कर्म इधर चलो, ये समझ में कैसे आ जाता है? इसका मतलब है समझने की सामर्थ्य तो है, दुनिया के कार्य कैसे करते हैं समझ में नहीं आता। तो मतलब मायाचारी को छोड़ने का मतलब यहां बैठ करके क्या मायाचारी करे? मायाचारी माने कोई व्यापार नहीं होती हो, मिलावट होती हो वो, अरे वो मिलावट तो है ही, अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न, ये भी तो अपना अंश अगर पर में मिलाते हैं, अपने द्रव्य गुण पर्याय को, कर्तत्व को, भोक्तत्व को, मैं पर का करता हूं, मेरा करता है, अगर ये तो मिलावट कर रहे आप। जीव जीव है, शरीर शरीर है, शरीर जीव नहीं है और जीव शरीर नहीं है। जीव की संगति में रहने पर भी शरीर कोई चेतन नहीं हो गया और शरीर की संगति में रहने पर भी जीव कोई अचेतन नहीं हो गया। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं, हमको तो लगता हम तो मायाचारी करते नहीं, कितनी मायाचारी करते हैं और करते क्या 24 घंटे? कहते हैं इंद्रादिक पद नहीं चाहूं और भीतर कितनी वासनाएं पड़ी हैं, कितनी वासनाएं पड़ी। और कहीं इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। अरे स्यादवाद की शैली में ये समझना चाहिए, इंद्रादिक पद भी नहीं चाहूं तो फिर और उससे नीचे की बातें चाहने की बात तो खत्म होगी। और भीतर भीतर क्या चलता रहता है? मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, भोग संयोग। ये मान प्रतिष्ठा से अपने उस मान माया से ही तो कमा रहा है और मान माया से ही खर्च कर रहा है। मैंने छल मायाचारी मत करो, माने हम काया से तो विलय कर रहे हैं और भीतर जाने क्या सोच रहे हैं? कितना निगेटिव सोच चलता रहता हमारा, कुछ नहीं। मन में कोई बहुमन का भाव हो, मन में विज्ञान का भाव हो, तत्व विचार चले, तब तो वचन में चले, फिर काया में। मतलब क्या बहाना कर रहे हम? शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है कि तुझे शक्ति नहीं है कि शक्ति का भान नहीं है। कल कहा था मौन अलग बात है, भूंगा अलग बात है। शक्ति नहीं है, किस आधार पर कह रहे शक्ति नहीं?
कहेंगे कहीं कुछ नहीं है और सोचेंगे यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने क्या नहीं है ये बताओ, जिंदी है, जिनवाणी है, साधर्मी है, तत्व की चर्चा है, क्या नहीं है? यहां कुछ नहीं है, बाजार नहीं है कोई, कोई होटल नहीं है, ये कोई बातें हैं, यहां कुछ नहीं है, वहां कोई व्यवस्था नहीं। क्या व्यवस्था नहीं है? मैंने वो विलासी व्यवस्थाओं कोई व्यवस्था मान बैठे, ये व्यवस्था है कि जीवन को बर्बाद करने की शैली है। इसलिए यहां भी ऐसा ही करो, जो हमारे घर पे है सो यहां करो, घर को यहां जाए सादगी में मत बनाना, स्वयं भी त्याग मत बनाना, भगवान को रागी बनाने की कोशिश करना, कुछ न कुछ सजाओ, अरे उसको पढ़ करके जीवन सजाओ, जैसा पहले वो खराब कमरे थे उनको सुधरवा दिया, अरे परिणाम भी सुधारो, परिणाम नहीं सुधारे तो क्या काम किया तुमने ये बताओ। तात्पर्य इस चीज का को पढ़ करके सुन करके समझ करके तात्पर्य क्या है ये समझो, मैंने अपनी दृष्टि सुधारो। क्या करें साहब, राग छूटता नहीं, अरे कोई बात नहीं, राग नहीं छूटता, राग को हे तो मानो, तुम कुछ तुम तो राग की पूर्ति में सुख मानोगे, माने बैठे हो तो छूटेगा कैसे? जब राग की पूर्ति में सुख माने बैठे हो तो राग कैसे छूटेगा? राग को अपना माने बैठे राग कैसे छूटेगा? राग को भिन्न जानो, राग को हे जानो, फिर देखो छूटता है कि नहीं छूटता। क्या करें, मोह छूटता नहीं है, कोई आप मंत्र बताओ, अरे कोई अलग से मंत्र तो नहीं है, वेद ज्ञान का ही मंत्र है ये, सिद्धिक विधान में आप पढ़ते हो मंत्र, आत्म रूप लखे सुख हो जग में यह मंत्र महान कहो, ये महामंत्र है। महामंत्र तो अमोकार मंत्र कहे कहा जाता है कि हाँ वो व्यवहार नैसे अमोकार मंत्र कहते हैं, परम पंच परमेश्वर को वहां स्मरण किया, नमस्कार किया, हमारा दिन का मंगलाचरण हो, चाहे शास्त्र का मंगलाचरण हो, चाहे जीवन का मंगलाचरण हो, पंच परमेश्वरी के स्मरण से होता है, कोई बात नहीं। लेकिन उन पंच परमेश्वरियों ने क्या कहा मंत्र, संत कवि ने कैसे लिखा होगा, निज आत्म रूप लखे सुख हो जग में यह मंत्र महान, नहीं तो संस्कृत से आप मंत्र का शब्द का ही अर्थ बताओ क्या होगा, मनते ज्ञायते अनेन आत्मा देश, इसके द्वारा आत्मा जाना जाए वो मंत्र कहा जाता है। आत्मा में स्थित जो परम पद में स्थित परमेश्वरी भगवान है उनका सत्कार किया जाए उसको मंत्र कहते हैं। कोई मंत्र बताओ आप, कितने मायाचारी समझ में नहीं आने पर भी, समझ में नहीं आया तो पूछा ही नहीं, ना समझ होकर के उठ गए और सोचा कि हमारी समझ में कुछ नहीं आता। अरे समझ में नहीं आता तो पूछने की कोशिश करो, सो पूछो, पर समान बुद्धि के धारकों से चर्चा करो, तो समान बुद्धि किसी को समझते ही नहीं, हम जैसा तो कोई है ही नहीं, देहकर में हम आवाज ही में सब है, अब किसके हिस्से में कितनी आई होगी, हमारे बराबर कैसे हो सकता है, ये बड़ी विडंबना हो गई। मैंने चार जुआरी बैठ जाएंगे आराम से खेलेंगे, और चार मैंने समान बुद्धि की धारक ही नहीं दिखती जो चर्चा कर रहे हम,
बड़ी विडंबना। जब उसके भाव भाषण की एक प्रक्रिया विधि है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में श्रोता के स्वरूप में, तो अब उसी प्रक्रिया से चलो ना। हम बार बार सुनेंगे तो, लेकिन बार बार विचार नहीं करेंगे वहां, और विचार भी करेंगे तो अपनी कल्पना करने लगेंगे विचार के नाम पर, अपनी कल्पना। गुरु के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है, वो तो विचार करो। गुरुओं ने क्या कहा, तुम्हारे दुख का कारण परदब्बे को कहा, वो तो विचार करो। अरे उसकी उसने सब काम खराब कर दिया, उसने नुकसान कर दिया। अब ये विचार कहा आधार से कर रहे, किस आधार से ये विचार कर रहे आप? उसके कारण इतना नीचा देखना पड़ा, अपमान हो गया, फलाना हो गया, मैंने उसके कारण से बीमार हो गए, इतना नुकसान, इतना पैसा लग गया, इतना ये हो गया। अरे आगम के हिसाब से विचार करो। हमारे पाप, हमारी कसमें, हमारी दुर्व्यसन, हमारी गंदी पर्णतियां, गंदे विचार, उल्टे विचार हमारा समाधान नहीं होने दे रहे, दुख का कारण है। आगम कह रहा है पर्दे में दुख का कारण नहीं हो सकता, और हम कहते हम पर्दे में कोई दुख का कारण माने। कल चलते चलते पीछे कहा था ना, आप कुछ भी कहो हम तो आपका ही चमत्कार मानेंगे, आप कुछ भी कहो ये तो हम तो ये मानेंगे। बस हमारी किसाई की पूर्ति नहीं हुई, हमारे अनुसार पढ़ने में नहीं हुआ, तो बस समझ लो नाराज हो गए, खत्म मामला। अब सुधार होने का जिंदगी में अवसर नहीं रहा। क्यों? जो तुम्हारी कमी बताई सो उसको तुमने स्वीकार नहीं किया, नाराजगी का थप्पा लगा दिया, काम खत्म हो गए। और ये शैली घरों में चलती रहती है, वो दादाजी नाराज होंगे, अम्मा नाराज होंगे, फलाना होगा, ये होगा। हम ये कहते लौकिक में भी कोई कार्य करो आत्महित पर दृष्टि रख करके करो, इसमें हमारा हित क्या है, अहित क्या है? आप कमाते हो, कमाने का प्रयोजन क्या है जी बता? आप रोटी खाते हो, रोटी खाने का प्रयोजन क्या है? कपड़े पहनते हो, प्रयोजन क्या है? कपड़े पहनने का भी कुछ प्रयोजन होगा। चरणान योग में तो ये है, देखो द्रव्यान योग और चरणान योग की शैली अलग अलग है। कैसी? आत्मा बोलता नहीं है, ये द्रव्यान योग, और जब नहीं बोले राजा तो कैसे बोलता है, ये चरणान योग। हे चरण तो फिर ये वचन, ऐसे ही आत्मा वस्त्र नहीं पहनेगा। अब जब ग्रस्त अवस्था में वस्त्र पहनेगा तो कैसे पहनेगा, चरणान योग बताएगा। श्राव का इसमें श्रावकाचार की टीका में तो वस्त्रों के प्रसंग में अनुपसेद की चर्चा कर दी, अनुपसेद में वस्त्रों की चर्चा होगी। अपने पद के विरुद्ध बाजी उस तरह का वहां लिखा बाजी वाली वर्ग, उस तरह की वस्त्र नहीं पहनो। वो बस तुम्हें मनोरंजन के लिए उन्होंने पहने हैं, तुम मत पहनो, नहीं तो तुमसे लोग मनोरंजन करेंगे। फिर वस्त्रों का प्रयोजन क्या है? शील की मर्यादा की रक्षा हो और शीत उष्णता आदि से बचाव हो। घर बनाते प्रयोजन क्या है? अब प्रयोजन पर दृष्टि न होने के कारण घर न होकर के एक होटल सा हो जाता है। घर तो बनाया लेकिन क्या के लिए बनाया? कोई देखा तो वाह 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 वाह, और तेरे देखने वाले आओ रूपम आओ धनम। और बड़ी शान से दिखाएंगे, ये उनका कमरा, ये उनका कमरा, ये इनका कमरा, ये फर्श ऐसा बनाया, ये फलाना लगाया, ये कारीगर वहां से बना, एक आज अपना कमरा भी है कि नहीं? मतलब स्वाध्याय कक्ष भी है आपके पास के नहीं,
मंदिरों की पाठशाला तो ठीक है, चलना ही चाहिए, मंदिरों में स्वाध्याय तो होना ही चाहिए, समूसरण के प्रतीक हैं। लेकिन घर पर बैठ करके भी सबको एक साथ भोजन ही नहीं, एक साथ स्वाध्याय पाठ भी करना चाहिए। ये घर की आपकी जाने कितनी समस्याओं का समाधान करने वाला है। पता नहीं हमारे घर में चोर ने घुसा, कुत्ता ने घुसा, मच्छर ने घुसा उसकी इंतजाम किया, धूल ने घुसा इसका इंतजाम किया, लेकिन व्यसन ने घुसा ये इसका इंतजाम क्या किया ये बताओ। व्यसन धीरे धीरे घुसते चले जा रहे घरों में, उसका कोई इंतजाम है तुम्हारे पास? तुमने तो एक विज्ञापन समझ लिया, वो संस्कृति की सुरक्षा, संस्कारों की सुरक्षा, संपत्ति इसी ज्यादा अच्छी है। सोचो यहां इसके बगल में एक नाला बहता हो गंदगी वाला, तो आपको कैसा लगेगा, बदबू आएगी नहीं? तो जिस घर में आप स्वाध्याय करना चाहते, आराधना करना चाहते, समाधि करना चाहते हो है, उस घर में अगर आपके व्यसन होंगे तो आप कैसे कर पाओगे समाज? घर बनाने का प्रयोजन क्या है? गृहस्थ ग्रह बनाएंगे, लेकिन उस घर में किसी के लिए कोई साधन नहीं आ जाए तो, निंद्राज आ जाए तो हमें कोई व्यवस्था नहीं, फिर घर का काम कैसे बड़े आदमी रहे? विचार तो करो, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, पढ़ रहे तो प्रयोजन पर दृष्टि नहीं, सुन रहे तो प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। बढ़िया 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 कहना सीख गए, अच्छी बात है, बढ़िया तो कह रहे कम से कम, मन ये तो सुहा तो रहा है कि बात तो ठीक है, ये प्रशंसनीय है ये बात, लेकिन बढ़िया कहने से पुण्यवंत तो हो सकता है, मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। बहुत भी क्या ने कहा कह रहे, कहा कहते हैं पता नहीं, सुहाती नहीं है तो इनको पाप बंद होता है, और बात तो अच्छी है, बात तो सुंदर है, तो पुण्यवंत होगा, लेकिन जब तक सच्ची नहीं रहेगी यही है, तब तक तत्वमेव के बल पर अगर सत्यता लगे ये सत्य है तो होगा सन्नत के सन्मुख, और जब स्वान बक्से प्रमाण होकर के इदम मेरे दशम सेवा, यही है, ऐसा ही है, न अन्य है, न अन्य प्रकार है, तब होगा समय। मुनिराज जी ने प्रयोजन लिखाया, अब्बर गाय भव्या नाम शुद्ध स्वात्मने पुनः बच्चे नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संघ का। इस टीका काय के लिए लिखी, अब्बर गाय भव्या नाम, भव्य जीवों के मोक्ष मार्ग के लिए, मुक्ति के लिए, अब्बर मुक्ति को कह, और काय से मुक्ति होगी, पहले मिथ्यात्व से मुक्ति होगी, दृष्टि मोक्ष, फिर कसाय से मुक्ति होगी, फिर कर्म से मुक्ति बाद में। हम सोचते हैं कर्म से मुक्ति पहले हो जाए, कैसे होगी आप बताओ? अब्बर का भव्या नाम शुद्ध स्वात्मने पुनः, केवल भव्यों के मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष के लिए ही यही कथन, वे लगे या न लगे मोक्ष मार्ग में, ये उनकी योग्यता, उनकी विनय, उनका प्रसार, उनकी काल लब्धि, उनके इसलिए केवल नहीं, शुद्धये स्वात्मने पुनः, शुद्धये स्वात्मने पुनः, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए ये टीका लिख रहे। कौन कौन स्वामी स्वयं कहते, निज भावना निमित्त
अपने स्वरूप की भावना कैसे बहाए बुद्धि पूर्वक कैसे बहाए, क्यों बस कैसे भावगे अपने स्वरूप की भावना बताना जरा। ऐसे ही भावगे मैं नारकी नहीं हूँ, त्रियंच नहीं हूँ, देव नहीं हूँ, जिस प्रकार मैं ये नहीं हूँ उसी प्रकार मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। आत्मस्वरूप की भावना बहाने के लिए इस शास्त्र की रचना हुई है और टीका भी शुद्ध स्वात्मने पुनः, तो वचन भी काय के लिए शुद्ध स्वात्मने पुनः, और सुनना भी काय के लिए शुद्ध स्वात्मने पुनः। बहुत लोग सुने समझे लग जाए ठीक है, अच्छी भावना है प्रशस्त, लेकिन यदि स्वयं नहीं लग पाए तो बहुत जीव कहां से लग पाएंगे। हमारा उपयोग एकाग्र कैसे हो, हम कैसे इस बात को समझ पाए, इस पर लक्ष्य रखना मुख्य रूप से। भगवान आत्मा समाधि स्वरूप है और आत्मा के ही आश्रय से समाधि होती है। आश्रय से अर्थात श्रद्धान से, ज्ञान से, भावना से, ध्यान से है और होती का नए विभाग समझ देना चाहिए। आत्मा समाधि स्वरूप है, ये शुद्ध भाव सहकालिक, इसको हम कहेंगे कारण समाधि। कारण समाधि जैसे कारण नियम है ना, कारण परमात्मा, यदि कारण समाधि मतलब समाधि का कारण कौन है, समाधि के कारण कोई बाहर के वातावरण ही नहीं, वो तो निमित्त है। कब, जब स्वयं समाधि से आत्मा का लक्ष्य हो तो विचारना कारण समाधि। अब कार्य समाधि क्या होगी, ऐसा सद्धान हुआ, ऐसा अनुभवन हुआ, जब ऐसा सद्धान और अनुभवन हुआ तो हम आपसे पूछे ये क्या है, तो काय के आधार से बोलोगे, जो आपको समझ में आएगी। कोई कहेगा ये मायक है, कोई कहेगा ये पुद्गल है, कोई कहेगा ये अजीब है, कोई कहेगा भिन्न है, जो समझ में आएगा वही तो बोलोगे। बच्चे को पूछो बेटा ये क्या है, कि खिलौना है, वो उलट पुलट करेगा, ये खराब हो जाएगा, वो क्या जाना खराब होना, खिलौना है उसके लिए। विचारना जैसा जानेगा, जैसा सिद्धान करेगा, वैसे ही पर अंतर में धारा चलेगी, वैसी विचार होंगे और जैसे विचार होंगे वैसा ही आचार होगा, वैसी मुद्रा होगी, वैसी वचन होंगे, वैसी संगति होगी, सब होगा। एक बहुत मोटा सा दृष्टांत आपको मालूम होगा, आपकी शिखर जी जाने का भाव हुआ और आप निकले, और ये भी निकले घर से, पड़ोस पड़ोस में घर दोनों कहाँ जा रहे, ये हम सोच रहे कि गिरनार जी जाए, तो हमारा तुम्हारा क्या संग, मैंने कितनी जल्दी विमुख हो जाते, हमारा तुम्हारा क्या संग, कहाँ जा रहे, कलकत्ता जा रहे, अरे चलो ठीक है अपन, मैंने उस दिशा में जाने वाले का तो संग है और उससे विपरीत दिशा में जाने वाले का संग क्या है। तो मोक्ष मार्ग वालों का मोक्ष मार्गों के साथ तो संगति बनती है, मेल बनता है, और मोलियों के साथ क्या संग है बोलो। पंडित जी बनारस कैसे लिख रहे, चेतन ही तुम जाग बिलो को लाग रहे के माया के ताई, ये तो माया के संबंध में लगा, लाग रहे किस माया के ताई, उस माया को देखो और अपने को देखो, आए कहीं ते कहीं पुण्य जाओगे माया रहेगी जहां की तहाई, माया तुम्हारी न जाति न पांत न बंश को बेल न अंत की घाई,
दासी किए बिन लातन मारत ये तो अनित न कीजिए गोसाई। ये माया के संबंध में, ऐसे ही इन परिवारिकजनों के संबंध में कहा, चेतन जी तुम जाग विलोक नहीं, लोकन सौ कछ ना तो न तेरो, लोकन सौ कछ ना तो न तेरो, तेरो नहीं इन लोक सो ना तो। इनसे तुम्हारा क्या नाता, क्या रिश्ता, क्या संबंध? हमेशा नाटक में पढ़ना, चेतन जी तुम जाग बिलोक, चेतन लोकन सो कछ ना तो न तेरो, तेर सो कहू इस लोक को ना तो। ये तो रहे रम स्वारथ के रस तू परमारथ के रस राचो। तेरी वीर का क्या संग है? ये तो रहे रम स्वारथ के रस तू परमारथ के रस राचो। ये तन में तनमय तन सो जड़, चेतन तू इन सो नित हाथो। हो सुखी अपनो बल फेर के तोड़ के राग विरोध को तांतो। क्या नाता बताओ, हमारा तुम्हारा क्या संग? तुम हम सिकरजी जाने वाले और तुम इधर सोच रहे अहमदाबाद जा रहे, हमारा तुम्हारा क्या संग? बिल्कुल जैसे ही अलग है। तुम्हें मोह में सुख दिखता है, मोह के कारण परद्रव्यों में सुख दिखता है, कथाओं की पूर्ति में सुख दिखता है, परिग्रह से शोभा दिखती है, बड़प्पन दिखता है, और हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। अब हमारा तुम्हारा मेल क्या बैठे, कैसे बचे? कारण समय समाधि या कारण समय सार, कारण परमात्मा, कारण ज्ञान, सहज ज्ञान, ऐसे शब्द खूब हैं। एक अद्भुत शैली है, कार्य की चर्चा करने वाले तो हैं, लेकिन कार्य कारण से बिना नहीं होगा ना, तो कारण कौन है ये बता। एक कारण विपर्य ये भी भूल है, मूल कारण को तो जानता नहीं और बाह्य कारणों को कारण मानता है। तो ये मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष का कारण कौन होगा, और मोक्ष का कारण वही हो सकता है जो पहले से मुक्त हो। जैसे मिठास का कारण वही हो सकता है जो पहले से मीठा हो, मिठासमय हो। मिठासमय मिश्री ही मिठास का कारण हो सकती है। मिठास से सूना नमक, मिठास से सूना सोना, मिठास से सूना हीरा, मिठास का कारण कैसे होगा? ये होता समय सारगी में कलश है, ज्ञान में विहितम शिव हेतु। ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है, उसका कारण दिया। क्यों? कि ज्ञान स्वयं मुक्त स्वरूप है, राग मुक्ति का कारण नहीं है। क्यों? कि राग स्वयं मुक्त रूप नहीं है, बंध रूप है। राग स्वयं मुक्त स्वरूप हो तो मुक्ति का कारण बने, और राग जब होगा तो पर के साथ संबंध जोड़ोगे कि बिना संबंध जोड़े होगा? ज्ञान मुक्त स्वरूप है, इसलिए ज्ञान में वेदम शिव हेतु, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। तो आत्मा समाधि स्वरूप है, तो आत्मदृष्टि समाधि का मूल है। दर्शन मूलो धम्मो है ना, तो धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, तो समाधि का मूल भी क्या हुआ? खाली धर्म का मूल सम्यक दर्शन इतना मत कहते रहना, क्षमा का मूल भी सम्यक दर्शन है, समाधि का मूल भी सम्यक दर्शन है, सारे संयम का मूल समाधि सम्यक दर्शन है। न
नहीं, धर्म का मूल मने कोई धर्म और होगा वो उसके संबंध में। अरे व्यवहार में ऐसे भी अगर आप विचार करें तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना कैसी क्षमा आएगी, कैसी समाधि होगी? समाधि करो, कैसे करोगे? मर गए, डॉक्टर साहब बचाओ, कोई बात नहीं, वीर गति को प्राप्त हो गए, समाधि थोड़ी है। पंच परमेश्वर का स्मरण करोगे कि नहीं करोगे? भैया विचार करो, तुम शुद्ध चित्त रूप हो, देह तुम नहीं हो, देह के छूटने से तुम्हारी कोई हानि नहीं है। ऐसे ही तो इस चिंतन के आधार पर समाधि में बढ़ोगे। ग्रंथा मूलो धर्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि क्षमा का मूल भी सम्यक दर्शन है और ब्रह्मचर्य का मूल भी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना ब्रह्मचारी मान ले अपने को, शादी नहीं करी सो ब्रह्मचारी हो गए। अरे हमने कल कहा था ये फैशन बन गई आज लोगों में, कौन झंझट में पड़े? हाँ, शादी नहीं करना और ब्रह्मचर्य भी नहीं लेना तो क्या करने? तीसरी स्थिति बताओ, मैंने अनर्गल प्रवृत्ति भूखों से बिल्कुल विरक्त नहीं होंगे, मन शांत से कपड़े पहनेंगे, मन शांत से खाएंगे, मन शांत से घूमेंगे, मन शांत से हाथ मिलाएंगे, मन शांत से कुछ करेंगे, स्वच्छता शादी नहीं करना है। शादी नहीं करना है तो काय के लिए शादी नहीं करना है? ब्रह्मचर्य का क्या प्रयोजन? देखा ब्रह्मदेव सूर्य गुरु स्वरूप आत्मा की प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, स्वच्छंदता के लिए शादी नहीं करने की बात नहीं है। हम कहां रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, इससे क्या संबंध? हम शादी नहीं करें, ब्रह्मचारी हो गए, ये कोई ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मूल भी सम्यक दर्शन है, धर्म के धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। तो धर्म के लक्षण दस हैं कि नहीं, तो उन दसों का मूल सम्यक दर्शन है। कितनी सम्यक दृष्टि भी तप नहीं करती, टूट रमन जी ने क्या जवाब दिया? तप नहीं करती ये कैसे कह दे तुम? कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, कैसा उत्तर दिया? लेकिन अभिप्राय में तो उस तप को भला ही जानते हैं। हम ये पूछते हैं भरत चक्रवर्ती ने तप नहीं किया तो क्या नहीं किया बताओ, कौन सा तप रह गया? अब जो फास्ट ट्रेन चल रही है तो इतनी जल्दी निकल गई कि पता ही नहीं पड़ा कब आई कब गई, ये बात अलग है। एक पैसेंजर ट्रेन वो रुकती है आकर के उतरते चढ़ते और एक सुपर फास्ट ट्रेन तेजी चली आ रही, अब नहीं रुकी, आपको पता भी नहीं कब आई कब निकली, तो उनकी तो फास्ट ट्रेन है ये समझो। एक बात, दूसरी बात, जब दीक्षा ली तो उन्होंने सारी दीक्षा की विधि हुई मैंने इतनी जल्दी हुई कि मालूम नहीं पड़े, समय नहीं मालूम पड़े तो हम क्या करें? दूसरी, इस जब आत्म ध्यान में लीन हुए तो ध्यान में तप जब होगा तो ध्यान में सब आ गए? ये बचपने की बातें मत करो भैया, सोचे भी नहीं। एक बच्चे को 2000 का नोट दिया किसी ने, 2000 वो कहे 5 रुपया दे, हमको तो 5 का चाहिए सिक्का। अरे 2000 के नोट में 5 के नोट उसमें गर्भित हैं, आत्म ध्यान में सारे सब गर्भित हैं। कोई तप नहीं बचा, जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना? रोटी तो खाई नहीं, अनशन हो ही गया। अब जब अनशन हो गया तो उन्होंने दर अलग से कहां से हो?
अनशन में उनोदर गर्भित हो गया कि नहीं हुआ? ये तो अनशन नहीं कर पाए और भोजन करने बैठे तो उनोदर दूनोदर मत करो। इतनी बीमारी है भैया, आज एक ही टाइम तो लेने मतलब कुछ ज्यादा दे। आज नमक नहीं लेने, आज नमक नहीं लेने। अरे तो नहीं लेने बात क्यों कह रहे? जो लोग बिना नमक का ले लो, नहीं तो क्या बना लें बिना नमक का? वो नमक नहीं लेना आज तो क्या बना लें? अरे जो बनाते सो बना, नमक मत डालो। लेकिन नहीं, उनको लगता है कुछ उसी में हेरा फेरी करेंगे मीठा शक्कर डाल डाल करके, लेकिन नमक नहीं लेकर के अपना रस नहीं लेंगे। देखो व्यवहार में ऐसे अनेक भेद कहे जाते हैं। सो तप बारह प्रकार का नहीं, तप तो एक प्रकार का है, स्वरूप विश्रांत। सारे तपों में ये भीतर जितना है उतना ही तप है। क्यों? लड्डू में मीठा कितना है? जितनी मिश्री है। और पूरी में मीठा कितना है? कि जितनी मिश्री है। ऐसे अनशन में तप कितना है ये बता। भले 24 घंटे नहीं खाए रोटी, हमने 36 घंटे नहीं खाई, 48 घंटे नहीं खाई, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ तप कितना है? जितनी स्वरूप विश्रांति है, जितना इच्छा रुकी है, इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। अगर आपको शाम को पानी की इच्छा हो गई, गर्मी बहुत है, प्यास है, अब चलो कल पिएंगे, और रात भर की बात है, अब 6 घंटे हो रहे, 11 बज गए, बताओ अनशन है कि नहीं? जितनी देर भोजन की इच्छा नहीं थी, पानी की इच्छा नहीं थी, व्यवहार तब भी उतनी देर ही हुआ, तो जिन्हें अनंत काल तक इच्छा नहीं है उनका तप कैसा होगा? सोचो, महातप, महातपा, महाश्रवण, महातप, महातपस्वी किनको कहा बताओ? आप उस वितराग परमेश्वर को कहा देना। टाइम इतना कम है, बच्चों पता नहीं पड़ रहा है, अंतर्मुहूर्त में अपने चढ़ गए था, लेकिन चढ़े पूरी श्रेणी पड़े, पूरी श्रेणी चढ़े हैं कि एकदम छलांग लगाइए। क्रम क्रम से उन कर्म वर्गणों की निर्जरा हुई है, क्रम क्रम से गुणस्थान आए हैं, उस प्रकार के सब चला है, सब व्यवस्था है, लेकिन इतनी जल्दी हुई है कि अभी तो बैठे थे, अभी केवल ज्ञान भी हो गया, अगर उनको उतनी देर लग गई तो उतनी देर में वो सब उतना मालूम पड़ा कि पैसेंजर गाड़ी में ये लगा जी गांव आ गया, जी गांव आ गया, ये गांव गया, तब तक वो तो सब फास्ट में निकल गए और पहुंच भी गए, पहुंच भी गए, यहां पहुंच भी गए। कितने कितने भव लग जाते समूह दर्शन की बात, और कितने ही समूह दर्शन होकर उसी भव में मुक्त चले जाते। आत्मा समाधि स्वरूप है, तो आत्म दृष्टि व समाधि का मूल है, दर्शन मूल हो समाधि मत होना ना भी उसे। सम्यक दर्शन होने पर समाधि कितनी है, शांति कितनी है, निकषाय भाव कितना है कि अनंतानवंदी कषाय के अभाव पूर्वक और शेष कषायों की मंदता, उसका नाम प्रथम नाम का गुण, संवेग प्रथम अनुकंपा है ना, तो उतना प्रथम नाम का गुण। अब ऐसी शांति में देह छूट गई, यह है देह छूट रही है। लिखता है कभी अपनी रचना लिख रहा था, एक आया छुरा लेकर के मारने के लिए, वो अपने लिखते गए लिखते गए लिखते गए, देखा क्यों रुको, पहले कविता पूरी होने दो, रुक जाओ कविता पूरी होने दो, कविता पूरी लिख गई, हाँ भाई अब अपना काम करो,
अब क्या करे कम, पैर छू करके भाग गया। इतनी कषाय की मान्यता बिना सम्यक दर्शन के अभी है। अब कहो भैया नहीं ब्रो, अरे कैसी बातें कर रहे हो, रुक गया। हाँ भाई बोला, काय के लिए आपका काम करो, ऐसा भी कोई आदमी हो। मैंने सम्यक दर्शन के बाद शांति का स्रोत मिल गया। अब जितना डुबकी लगाना है उतनी लगा दे, बस खत्म हो गई। पानी का सरोवर जैसे मिल गया, अब निबंध होना है, बोलो निबंध हो। और जितनी स्वरूप लीनता उतनी समाधि है। ये बड़ी सुंदर चर्चा मुनराज कर रहे हैं। अनवरत मखंड ज्ञान सद्भावनात्मा ब्रजत नच विकल्पम संसते घोर रूपम अतल मनग मात्मा निर्विकल्प समाधि। पर नच दूरम यात चिन्मात्र मीसा। सतत रूप से अखंड ज्ञान की सद्भावना वाला आत्मा, क्या कहा, सतत रूप से शांति धारा, सतत रूप से शांति धारा, लौकिक नौकिक सतत रूप से करते टूटने न पाए। विचार करो, सतत रूप से संत निरंतर चिंतित ऐसे, विचार में याद होगा पहले भी कहा था भैया, धर्म मंदिर में घंटे दो घंटे की आने वाली पद्धति बुद्धि की रूढ़ी की क्रिया नहीं है। स्वाध्याय केवल घंटे दो घंटे पढ़ लेने वाली रूढ़ी की क्रिया, सुन लेने वाली रूढ़ी की क्रिया नहीं है। निरंतर अभिक्षण ज्ञान उपयोग, तो अभिक्षण ज्ञान उपयोगी क्या निरंतर शास्त्र ही पढ़ते रहते होंगे, रोटी नहीं खाते होंगे, उनको निद्रा नहीं आती होगी निचली भूमिका में। अरे भाई उनके निरंतर इस ज्ञान की भावना बरतती रहती है। अब क्या करते हो, सर्विस व्यापार, पूछो इनसे पीछे बैठे हैं, क्या करते आप, सर्विस के व्यापार, आप कहोगे व्यापार करते, तो व्यापार कहां कर रहे, आप तो साथ सुन रहे, हम सर्विस करते हम, तो सर्विस कहां कर रहे, आप तो साथ श्रद्धा कर रहे। जब आप इस समय भी व्यापारी कहलाओगे तो धर्मात्मा उस समय भी धर्मात्मा क्यों नहीं है, जी बताओ। मुझे व्यापारी केवल दुकान पर बैठे हुए लेना देना कर रहा है, माल खरीदना उठाना धरना, तभी व्यापार कर रहा है क्या, के भावों से अभिप्राय से उसको हर समय व्यापार चल रहा है। बोलो लेता है और वो माल खत्म हो गया, कल वहां जाना है और वो लाना है और उसका वो देना है और कल वो मुनीम आएगा उसको पहुंचाना, क्या करे व्यापार। व्यापारी हर समय व्यापार कर रहा है, हमने देखे हैं ऐसे व्यापारी मिले कि यात्रा को जा रहे वंदना को और वहां ढेर लगा, मिल गया उनकी सीजन का किराने का व्यापारी और वो मिल गया धनिया का ढेर, बोले कहा अरे ये बात अपनी है, अपने आप ही है, और मर्जी है कर ले चलो। आज के जमाने में ये क्या समझाएं, मोबाइल लगे हम भैया क्या हो रहा है, बल्कि मोबाइल पर ही व्यापार हो रहे,
न माल खरीदा न माल बेचा, नुकसान हो गया, नफा हो गई, सब हो गया। मोबाइल पर व्यापार खतरनाक है। जब तक व्यापार न छूटे तब तक भी अनर्गल व्यापार मत करो, अनियत व्यापार मत करो, बहुत उतार चढ़ाव वाले व्यापारों मत पड़ो। पुण्य पर, पुरुषार्थ पर, भाग्य पर भरोसा रखो। जरूरत नहीं है तो पहले पंडित सदाशिव दास जी ने यही लाइन लिखी, धनाधिक से आसक्ति हटाने का उपदेश। यदि अपने को जरूरत नहीं हो तो नवीन उपार्जन का त्याग कर दे। यहां से शुरुआत की, अब काहे को करें? तो अब क्या करेंगे? तुमको करने लायक नहीं बचता कुछ। अरे जिन शासन की सेवा करो, आत्मध्यान करो, साधना करो। साधना नहीं कर सको तो साधकों की, धर्माचरणों की सेवा ही करो। अब हम पढ़े लिखे नहीं तो क्या करें? अरे पढ़ने लिखने वालों की अनुमोदन करो। आप पाठशाला नहीं चला, हम इतने पढ़े लिखे नहीं, पहले तो इतनी झूठ बोल रहे कुछ कहने की। रमुकार मन तुमको आता है? मैं जी हूं आता है? छोटी छोटी बच्चों को आप पढ़ा? लेकिन चलो हम तुम्हारी बात मान रहे, तुम्हें छह उपशम नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं, आकर के झाड़ू लगा दो, बिछा दो, पंडित जी के लिए बिछा दो, पढ़े तो वहां बैठ जाओ। ए बच्चे उदम मत करो, ये तो कर सकते हो। मैंने अनुमोदना, और जो कर सकते हो उसके लिए तो बहाना है, और जो नहीं कर सकते उसके लिए क्या करें? मैंने व्यापार छोड़ने तो क्या करें? जैसे करने लायक कुछ कम ही नहीं, इसका मतलब क्या है? स्वाध्याय निरर्थक आप कर रहे हो। अगर चौराहे पर खड़े हुए व्यक्ति को अगर ये प्रश्न उठ जाता है अब किधर जाए, तो बोलो अनजान है कि नहीं? रास्ते का जानकार है कि अनजान है? ऐसे ही स्वाध्याय करते हुए भी हमें ये लगता है अब क्या करें, इसका मतलब है हमारा स्वाध्याय निरर्थक है। क्या करें? ताते दिन भर कचे तत्व अभ्यास करिए। क्या करें? ताय सुनो भव मंथरान। क्या करें? तुम कहां खड़े करो जो बताओ। सामने ज्ञानी हो बहुत चार्य दीजिए। क्या करें? कि परम प्रेमी सुबुद्ध छेनी हर अंतर दे दिया। बोलो कहां करने के लिए आपकी चिड़ी पूरी की पूरी लगी कि नहीं लगी? और पूछ रहे क्या करें, क्या करें? और उसी में लगे रहेंगे, उसी में लगे रहेंगे, और अंत में दे छूट जाए चल जाए। इसलिए कहते भैया देह को अपना मानने वाले को समाधि नहीं होती। देह छूटेगी, देह दृष्टि अगर नहीं छूटी तो उस संबंधी विकल्प होंगे, संकलेश होगा। और देह दृष्टि छूट गई और फिर देह छूटने का समय आया तो महोत्सव होगा। अगर आपके पास इंतजाम नहीं है पैसा देने का, और अगर वो तगादा करने वाला आ जाएगा तो आपको परेशानी होगी। और अगर आपने सोचा ये रुपए कल पहुंचा देंगे और बंद करके रख दिए और शाम को वो आ गया तो आपको खुशी होगी कि बोलो परेशानी होगी? अरे हम तो कल पहुंचा ही रहे थे, आप आ गए, ये ले जाओ। बोलो होगी कि नहीं होगी? ईमानदारी से होता तो जो देह को अपना मानेगा उसको देह के छूटने में तकलीफ होगी। फिर मन को समझा ले वो अलग बात है, थोड़ी सी कथा मंद हो जाए, लेकिन देह को अपना मानेगा उसे देह के छूटने में तकलीफ होगी। और देह को अपना नहीं माना तो ये रखी हुई ले जाओ, कहीं जाओ ये देह क्या इससे काम, तजी इसकी अगवत मोहब्बत तमाम। मुए साथ रहकर बहुत कुछ मुए, मगर आज निर्गुण निरंजन हुए।
सुख के लिए ऐसा नहीं है कि एक समय की जो हमारी पुरुषार्थ की बत्ती है वही अनंत काल तक सुखी करेगी। सुख अनंत किसका होगा? जिसकी लीनता अनंत होगी, अनंत काल तक स्वरूप में लीन होगा। मैंने वो अखंड धारा केवल सुख की ही नहीं चलेगी, ज्ञान की भी अखंड धारा चलेगी, दृष्टि की भी अखंड धारा चलेगी। क्या कह रहे? सतत रूप से अखंड ज्ञान की सद्भावनात्मक सद्भावना, दुर्भावना नहीं, सद्भावना। लौकिक में भी सद्भावना कैसा शब्द है, आप विचार करो। सद्भावना को प्राप्त आत्मा संसार के घोर विकल्पों को प्राप्त नहीं होता। उसको संसार संबंधी विकल्प उत्पन्न नहीं होते, जैसे अपने को पर्याय मात्र देखने वाले संसारियों को होते ही विकल्प उसको नहीं होते। विचार करो, जब आप शिखर जी आएंगे तब अहमदाबाद आएगा बीच में कि नहीं आएगा? नहीं ही आएगा ना। इस मार्ग में यही स्टेशन आते हैं। तो मोक्ष मार्ग में क्या कौन कौन से भाव आते हैं और कौन कौन सी गतियां आती हैं, किस किस प्रकार के संयोग आते हैं, ये सब पढ़ना। सम्यग्दर्शी जीव किन किन गतियों में नहीं होता, इस संबंधी कितनी चर्चा की थी आपसे, बताओ। सम्यग्दर्शी विकलांग नहीं होता, क्यों? उसका सोच विकलांग नहीं होता, उसकी दृष्टि विकलांग नहीं है। सम्यक दृष्टि हल्के कुलों में नहीं होता, उसके भाव हल्के नहीं है। वो मानव कुल का श्रेष्ठ मनुष्य होगा या देव होगा तो क्यों? उसकी श्रेष्ठ भाव होते हैं, साधारण भाव नहीं है सम्यक दृष्टि के भी नहीं होता। इसलिए ये थोड़ी है कि ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है और कैसे हो आपकी कृपा। ये शिष्टाचार के शब्द हैं, ये अनुमान से बचने के लिए ठीक हैं, ऐसे ही बोलना चाहिए गुरुजनों से। उनके प्रसाद से कौन कौन स्वामी जैसे लोग महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने, गुरुओं ने कैसे शब्द लिखे, निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न उन गुरुओं के प्रसाद से। लेकिन विचार करो, आपकी कृपा से कैसे बोलते हो आप? उपचार मात्र बोलते हो कि परमार्थ मान करके बोलते हो आप, बताओ। और कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, अरे कृपा के योग्य बने रहना, कृपा के योग्य बने रहना, इसका नाम है कृपा बनाए रखना। शब्द कैसे बोलेंगे? कृपा बनाए रखना और ये कृपा के योग्य बने रहना, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे भाव ऐसे बने रहे जो कृपा बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे। सतत अखंड ज्ञान की भावना वाला आत्मा संसार के घोर विकल्पों को प्राप्त नहीं होता। उसका संसार सीमित हो गया, क्यों? क्यों? उसकी कसाएं सीमित हो गई, उसके विकल्प सीमित हो गए। कोई ऐसा नहीं है कोई पक्षपात हो गया हो किसी का, आपको एक दृष्टांत दिया था। एक राजा के पास दो तीन अपराधी आ गए,
एक ही थी अपराध वाले, महाराज इन्होंने ये अपराध किया है। अच्छा, एक राजा ने एक व्यक्ति की ओर देखा, चार में से चलो हटो, दूसरे की ओर देखा, क्यों तुम भी ऐसे काम कर रहे हो, किस चक्कर में पड़ गए, किन की संगति में पड़ गए, जाओ अब मत करना, हटो यहां। तीन महीने की सजा दी उसको, सोचा भैया फांसी लगा दो उसको। समझ में नहीं आई राज्यसभा के लोगों को कि मामला क्या है, कि जाकर के देखो, गुप्तचर भेजे गए, पहले जिसको ऐसे देखा और कहा जाओ वो तो जहर खा करके ही मर गया, मैंने अब का मुंह दिखाए, मैंने उसको पाप करने में इतनी ग्लानी, अपराध के प्रति इतनी ग्लानी। दूसरा, अभी घर से नहीं निकला, अभी घर से ही नहीं निकला, का कैसे निकले पाप। तीसरा, ठीक है देखते हैं, मैंने परिणामों के तारतम्य के अनुसार है, ऐसे ये कर्म दंड जो है ना वो भी अपने परिणामों के अनुसार, जीव कृतम परिणामम निमित्र मात्रम पुनरन्वे, जीव कृत परिणामों का निमित्त पाकर के पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमित होते हैं, उनमें स्थिति अनुवार जो पड़ते हैं वो कषायों से पड़ते हैं, और जो प्रकृति प्रदेश है वो योग से, और यही सिद्ध किया प्रसाद जी के उपाय में कि रत्नत्रय बंध का कारण कैसे हुआ, कि रत्नत्रय न योग रूप है न कषाय रूप है, रत्नत्रय योग रूप भी नहीं है और कषाय रूप भी नहीं है, तब बंध का कारण कैसे हुआ। रत्नत्रय धारकों को बंद होता है कि देखा जाता है कि वो राग का कार्य अलग है, उसको वस्तु निष्ठ कथन किया है, संसार के घोर विकल्पों में नहीं उलझना हो तो अखंड ज्ञान की भावना भा। अगर आपको ये सोचना है कि यहाँ अंधेरा ना हो तो अखंड दीपक रख देते हैं कि नहीं, अरे वो दीपक तो बुझ भी जाएगा, लेकिन दीपक बुझेगा उसी समय अंधेरा होगा कि नहीं होगा, अरे वो दीपक बुझेगा तो अंधेरा होगा और ये ज्ञान दीपक बुझेगा तो अंधेरा नहीं होगा, दो दिन रोटी नहीं खाओगे तो शकल कैसी होगी, और चार दिन स्वाध्याय नहीं करोगे तो विचार करो भाई, अखंड ज्ञान की सतत अखंड ज्ञान की भावना वाला ही संसार के घोर विकल्पों को नहीं पाता, तो फिर किसको पाता है, निर्विकल्प समाज को पाता, विचारना।